भैया ऐसे आप ऊपर आए हो, आपको कोई सामान नहीं ले जाता नीचे से? मैम मैं ऐसे कौन ले जाएगा? ले जाते हैं लोग, मैंने देखा है। जिम जाना है, फोड़ दे एक काम कर, पूरी दुनिया को आग लगा दे, घर के अंदर पटाखे फोड़ रहा है। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सब पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी पे रहम, आ जाना चले मेरी चुनरी सदम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सब पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी पे रहम। तो अब सुबह कर दी है हमने, अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे जिम जाना है। फोड़ दे एक काम कर, पूरी दुनिया को आग लगा दे, घर के अंदर पटाखे फोड़ रहा है। कोई इलाज नहीं है गाइस इस चीज़ का, कोई भी इलाज नहीं है। सुबह से चालू होते हैं, रात तक पटाखे फोड़ता रहता है। खैर जो भी है, मैं नहाने जाती हूँ, ये बीमार सो रही है, अपनी बहन से चुगली करके 5 मिनट हैं। मैं गलत बोल रही? तू नहीं करती चुगली? मैं कोई चुगली कर रही हूँ क्या? नालायक चुगली करती हूँ क्या मैं? ये अभी भी चुगली कर रही है तू? नाक में बीमारी की बातें कर रही है। बीमार पड़ी है, नाक में से सांस नहीं ली जा रही, पर फिर भी फिर एंड में ये बोल के निकलेंगी दोनों बहनें, अपने को क्या, अपन तो भगवान पे छोड़ देते हैं। मैं कोई चीज हैं, तेरे तो कोई बहन है नहीं जिससे तो चुगली चपाटे करे बराबर की। बहन तो दी कहां मेरे को है? बहन तो मिली कहां मुझे? तो फिर अब किससे बताए कि बीमार होगी, कि ये हो गया, वो हो गया। ये बात भी सही है, पर तो ये दोनों बहनें हम तो कर रहे हैं, जा निकल जा चुगली कर रही है, स्पीकर पे रख के चुगली कर रही है, स्पीकर तो बंद कर दो। मैं तो कुछ नहीं, चुगली करते बॉडी स्क्रब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब ऐसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं लेती हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, मैं घर पे बनाती हूँ, मैं बाहर का स्क्रब नहीं लाती, मुझे कोई शौक नहीं है फालतू का पैसा बर्बाद करने का। नहीं मतलब मेरे को बहुत शौक है फालतू का पैसा बर्बाद करने का, पर मुझे करना नहीं होता। मेरी गर्दन कहाँ चली गई भाई, मैं तो गर्दन कटी हुई हो गई। मैंने कल 3 कॉफी रखी थी। हाँ तो बॉडी का स्क्रब बनाते हैं थोड़ा सा, कॉफी डालेंगे, कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं। मैं ये वाला ही कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पता नहीं क्यों। और अब हम डालेंगे इसमें चीनी, अब ये बन गया है स्क्रब सी। अब हम इसको रगड़ेंगे खुद पे, भैया ऐसे आप ऊपर आए हो, आपको कोई सामान नहीं ले जाता नीचे से? मैं ऐसे कौन ले जाएगा? ले जाते हैं लोग, मैंने देखा है, वीडियो फैल रहे हैं आजकल। कोई नहीं मान, जो होगा देखा जाएगा। हैं तो मैंने ये कुछ मंगवाया है।
दिवाली के लिए, ये दिवाली के लिए मैंने एक मम्मी के लिए साड़ी मंगवाई है और एक मैंने मेरे लिए मंगवाई है। तो अब देखते हैं मम्मी को समझ में आती है कि नहीं। ट्रेन में हो? बैठ गए? बट ऑब्वियस है आयुषी, क्या बकवास बात बोल रही है। पहले कहती है ट्रेन में हो, फिर कहती बैठ गए। नहीं, खड़ी हूँ ट्रेन में। तो बैठ के जाओ ना फिर आराम से। खड़े क्यों हो? वेट कर रही थी आपका, पूछूंगी तब बैठूंगी। चलो मैंने पूछ लिया, बैठ जाओ यार, ऐसे खड़े मत जाओ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। देख लो, मैं नहीं पी पा रही, आपको भा जाएगी क्या? अरे यार क्यों, आप क्यों नहीं पी पा रहे हो? बनानी पड़ेगी ना, आलस कहते हैं उसको। आंटी से बोल लो फिर। आंटी तो खुद बीमार पड़ी है। Do two things. A, you're making a big announcement, and two, of course, you're putting in a link which is easy to click. You're automatically pushing people to make that decision to book a ticket, right? So that works really well. Main bhi busy. Second, of course, we recently got. मेरे पास भी काम है. वेली नहीं हूँ मैं. हाँ. लोग मुझे वेला समझते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ यार, ट्रैप सही लग रहे हैं यार. See my shoulder cuts. See my delts. ध्यान ही नहीं जा रहा है, कंधों से हट ही नहीं रहा है। कंधे। Of course, and this I repeat the most, how can you engage with your audiences, how you really, really. मैं जा रही हूँ 24/7 अपने दोस्तों से मिलने। आज मेरा दूसरा फ्रेंड आ रहा है, ऐसे तो आपने देखा होगा उसको मेरे वीडियोस में, बट अभी वो आ रहा है तो मैं आपको व्लॉग में मिलवाती हूँ। क्या हाल है? क्या हाल है? मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं क्या करूँगी, तो हाँ ये बात भी सही है, मैं तो बोल लूँगा। ये भी ठीक है। दस भी नहीं बजे, जल्दी आ गई। अब अगर मुझे कोई ना निकाल ले तो मैं घर पे ही हूँ। हेलो, जल्दी हूँ आज मैं, 10 बजे। बाय बाय, सी यू टुमारो।